प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में कुछ तो प्रमोटर्स आते हैं जो प्लांट में एक्टिविटीज़ को बढ़ाते हैं, और कुछ क्या होते हैं, इनहिबिटर्स होते हैं। इन प्रमोटर्स के अलावा कुछ इनहिबिटर्स होते हैं जो प्लांट को रिस्पॉन्स देते हैं प्लांट के लिए अगेंस्ट वुंड और एनी टाइप ऑफ स्ट्रेस, चाहे वो बायोटिक हो चाहे वो एबायोटिक हो। तो ये स्ट्रेस के इनके वजह से जो होता है उसमें इनहिबिटरी एक्टिविटी आती है। तो ये जो होते हैं ये इनहिबिटर्स होते हैं, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं जिसमें एब्सिसिक एसिड आता है, और ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट इसका वर्क होता है डॉर्मेंसी और एब्सिशन में। तो ये डॉर्मेंसी और एब्सिशन को कंट्रोल करता है इन प्लांट्स, और ये इनहिबिटरी रेगुलेटर्स हैं। डिस्कवरी इसकी मिड 1960s में हुई थी। सेपरेटली तीन रिसर्चेज हुए अलग अलग, जिसमें कि एक ने नाम दिया गया इनहिबिटर बी, दूसरे में दिया गया एब्सिशन टू, और तीसरे में दिया गया डॉर्मेंट। बाद में ये देखा गया कि केमिकली ये तीनों क्या थे, सेम थे, और इसमें अंत में इसको नाम दे दिया गया एब्सिसिक एसिड, इन शॉर्ट में इसको ABA लिखते हैं। अब ये बनता कहाँ है, प्लांट्स में कहाँ पे बनता है, ये मैच्योर लीव्स से बनता है। प्लांट्स के अंदर जो मैच्योर लीव्स है उससे बनता है, और ये जो है ट्रांसपोर्ट हो जाता है लीव से रूट को भी और थ्रू आउट द शूट को भी, और मुख्य रूप से ये फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। तो मैच्योर लीव्स में बनेगा ये, और रूट में और शूट्स में पूरे में जाएगा थ्रू फ्लोएम। और रूट में भी ये बन सकता है और ट्रांसपोर्ट होता है शूट में इन रिस्पॉन्स टू वाटर क्राइसिस। जब ज़्यादा वाटर क्राइसिस होती है तब ये रूट में भी बन जाता है और फिर ये शूट में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अब इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका इंड्यूसेस एब्सिशन ऑफ लीव्स। हम जानते हैं एब्सिशन माने झड़ना, तो पत्तियों का झड़ना और फूलों का झड़ना ये मेनली होता है एब्सिशन। और एब्सिशन जो है ये शेडिंग है अनवांटेड ऑर्गन्स की, अनवांटेड ऑर्गन्स हैं जो प्लांट्स के लिए, उसकी शेडिंग को कहते हैं एब्सिशन। और लीव शेडिंग जो है ये बहुत लार्ज स्केल पर होती है, एब्सिशन की घटना है, खासकर जो डेसिजुअस प्लांट्स होते हैं, जो एवरग्रीन है उनमें तो लीव्स नहीं झड़ती, लेकिन डेसिजुअस प्लांट में उसे सीजनल जो है वो लीव्स में एब्सिशन होता रहता है। और ये स्पेशलाइज लेयर में ऑफ सेल्स में होता है जिसको एब्सिशन जोन कहते हैं, जहाँ से पत्ती झड़ती वहाँ पर ये स्पेशल जोन बन जाता है, लेयर बन जाता, उसको एब्सिशन जोन कहते हैं। और इस जोन से क्या होता है कि पहले तो लीफ में न्यूट्रिएंट सप्लाई होना बंद हो जाता है, फिर उसके बाद ये येलोइंग हो जाती क्योंकि अब क्लोरोप्लास्ट उसमें नहीं बनता, और फिर उसके बाद जो पत्ती वहाँ से एब्सिशन लेयर से अलग हो जाती है। फ्लावर्स में भी इनहिबिशन एब्सिशन होता है, लेकिन क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, इसलिए बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी हैं जो उसको कंट्रोल करते हैं, क्योंकि जब पॉलिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो फ्लावर्स के पार्ट्स हैं उनका यूज़ ख़त्म हो जाता है, तो फिर उनका एब्सिशन शुरू हो जाता है। पर एब्सिशन ऑफ लीव्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एब्सिसिक एसिड। उसके बाद दूसरा आता है इंड्यूसेस डॉर्मेंसी ऑफ सीड्स बाय इनहिबिटिंग जर्मिनेशन। सीड डॉर्मेंसी क्या है, एक स्टेट है जिसमें सीड इज अनेबल टू जर्मिनेट इवन अंडर आइडियल ग्रोइंग कंडीशंस। आइडियल ग्रोइंग कंडीशंस सारी कंडीशंस मिल रही है फिर भी सीड जर्मिनेट नहीं करा, उसको हम कहते हैं डॉर्मेंसी। तो ये जो है ये इंड्यूस करता है सीड डॉर्मेंसी को, किस लिए, इससे कि वो सीड डेसिकेशन या दूसरे जो फैक्टर्स हैं जो कि अनफेवरेबल है फॉर ग्रोथ के लिए उसको पार कर सके। जैसे कि प्लांट्स में सीड बन जाते हैं, और सीड से क्या होता है, जब ग्रेन्स के मान लो सीड हैं वो तुरंत जर्मिनेट नहीं करेंगे, वो डॉर्मेंट स्टेट में रहते हैं। क्यों, क्योंकि जो अनफेवरेबल पीरियड है उनकी ग्रोथ के लिए वो सीड के फॉर्म में ही पार हो जाता है। तो ये जो है ये सीड के फॉर्म में इसको रखते हैं और ये डॉर्मेंसी कहलाती है, और इस समय अनफेवरेबल कंडीशन को पास करने के लिए बहुत अच्छा तरीका होता है। ये जो है रिवर्सिबली जो है अरेस्ट करता है एम्ब्रियो को, एम्ब्रियो डेवलपमेंट एट द ब्रिंक ऑफ रेडिकल ग्रोथ इनिशिएशन। जैसे ही जर्मिनेशन होता क्या होता है, रेडिकल जो है वो बनना शुरू होता है, तो रेडिकल बनने शुरू होने से जस्ट पहले ये क्या करता है, उसको रोक देता है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट।
क्योंकि एमडीओ जब डेवलप होता है तो रेडिकल और प्रिमोल बनाता है, रेडिकल रूट्स बनाता है और फिर प्रिमोल शूट बनाता है, तो उससे जस्ट पहले ये इसको रोक देता है और क्या करता है, इनहिबिट कर देता है वाटर अपटेक, जिससे कि पानी एमडीओ का डेवलपमेंट होता है, तो पानी की सप्लाई को वहाँ रोक देता है और इस तरह से ये डोरमेंट बना रहता है। जो ये भी माना गया है कि जो एंडोस्पर्म है वो कंटिन्यूसली बनाता है और रिलीज करता है एबीए टूवर्ड्स द एम्ब्रियो, लगातार ये एम्ब्रियो की तरफ जो है एब्सिसिक एसिड को बना के और रिलीज करता रहता है, जिससे कि उसका फर्दर डेवलपमेंट ना हो और वो डोरमेंट स्टेट में सीट बना रहे। थर्ड है इनहिबिट और रिवर्सेस द एक्शन ऑफ अदर पीजीआर, दूसरे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो है उनके ये उनके इफेक्ट को रिवर्ट कर देता है या अपोजिट काम करता है, इसको कहते हैं एंटागोनिस्टिक। क्योंकि मान लीजिए ये है साइटोकाइनिन, ये सेल डिवीजन में इंड्यूस करता है तो कहीं पर भी सेल डिवीजन होता रहेगा ये तो संभव नहीं है, इसलिए इसको रोकने के लिए भी होना चाहिए, तो यहाँ पर ये एंटागोनिस्टिक होते हैं एक दूसरे के। तो एक यदि कोई हार्मोन एक्टिविटी को बढ़ा रहा है तो दूसरा उसको रिप्रेस करने के लिए भी होना चाहिए। ये इनहिबिट करता है जर्मिनेशन को, ये कॉन्ट्रास्ट है फ्रॉम जिब्रेलिन। जिब्रेलिन इंड्यूस करता है जर्मिनेशन, ये इनहिबिट कर रहा है। इसी तरह ये ऑक्सीजन से कॉन्ट्रास्ट है, इनहिबिट सेल ग्रोथ, ये सेल ग्रोथ कराता है और ये इनहिबिट करता है। इनहिबिट सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन को रोकता है और साइटोकाइनिन जो है इसको बढ़ाता है। तो ये एंटागोनिस्टिक होते हैं, तो हॉर्मोन्स या तो एंटागोनिस्टिक होंगे या कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब दोनों ही एक ही फिजियोलॉजिकल इफेक्ट दिखाएंगे तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, यदि अपोजिट इफेक्ट दिखा रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस को तो वो एंटागोनिस्टिक होते हैं। फिर स्टिमुलेट क्लोजर ऑफ स्ट्रोमेटा टू टॉलरेट वेरियस काइंड्स ऑफ स्ट्रेसेस, हेंस कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन, ये स्ट्रेस हार्मोन भी कहलाता है। क्योंकि जब मान लीजिए डेसिकेशन, पानी की कमी है, उस समय क्या करना है, हमें ट्रांसपिरेशन को रोकना है। ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए क्या होना चाहिए, स्ट्रोमेटा क्लोज होना चाहिए। स्ट्रोमेटा क्लोज कैसे करता है, ये जो है जो टर्गर गार्ड सेल्स हैं उनकी टर्जिडिटी को कम कर देता है। हम जानते हैं जब गार्ड सेल में टर्जिडिटी जो फूल जाते हैं गार्ड सेल, तब वो स्टोमा ओपन हो जाता है। तो स्ट्रोमेटा को क्लोज करने के लिए जो टर्जिडिटी नहीं होनी चाहिए, उसमें फ्लैसिड होने चाहिए गार्ड सेल्स, तो ये यही करता है। जो गार्ड सेल्स हैं उनको ये फ्लैसिड बना देता है, उसकी टर्जिडिटी कम कर देता है, जिससे स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। स्टोमेटा क्लोज होने से ट्रांसपिरेशन रिड्यूस हो जाता है और इस तरह से जो फर्दर लॉस है एज वाटर वो नहीं होता, और इस तरह से प्लांट यदि वाटर की शॉर्टेज है, कम है पानी, तो वो जो है स्ट्रेस को पार कर जाता है। तो इसको टॉलरेंस जो है प्लांट का बढ़ा देता है, इस तरह इसीलिए ये जो है इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। क्योंकि पानी की कमी जो है ये स्ट्रेस था, प्लांट के लिए स्ट्रेस था, इसको इसने बचा दिया। फिर ये मॉड्यूलेट्स वेरियस प्लांट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक प्रोसेसेस अंडर डाइवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन, जैसे यहाँ पानी का लिया ऐसे ही और भी चीज़ों का भी, जो भी एनवायरमेंटल कंडीशन जैसे भी होंगी उस हिसाब से प्लांट्स में ये चेंजेस करके और उसको अच्छी तरह से उसमें एकोमोडेट होने के लिए प्रेरित करता रहता है। तो ये तो हो गया एब्सिसिक एसिड।